अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो किस रिलेटेड है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर आपने घर में पेट्स, एनिमल्स या फिर डॉग्स पाल रखे हैं। तो आजकल एक वबा आई हुई है जिसमें दोस्तों डॉग्स को बहुत ज़्यादा मैगेट्स प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास भी एक डॉग ऐसा है जिसको मैगेट्स प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इसका मैं ट्रीटमेंट करूंगा। इस डॉग की दास्तान बहुत सैड है क्योंकि ये दोस्तों मेरा डॉग नहीं है, ये हमारे हमसायों का डॉग है। दोस्तों, इसको कीड़े पड़ गए यानी मैगेट्स प्रॉब्लम हो गया, तो वो इसको लावारिस करके कहीं छोड़ने जा रहे थे। तो दोस्तों, मैंने उनको बोला है कि इसको मैं ठीक कर दूँगा। इससे पहले भी मैंने एक डॉग ठीक किया है, वो आप रिव्यू कर सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट करूँगा, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा, आप भी दुआ कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर वन पे है दोस्तों ब्लू स्प्रे, नंबर टू हाइड्रोजन। दोस्तों, हाइड्रोजन का फ़ायदा ये होता है कि ये ज़ख्म में मिट्टी वगैरह जो चीज़ भी बाल या गंदगी होती है वो बाल के ऊपर ले आता है। तो उसके बाद जेंशन वॉयलेट है, इसका फ़ायदा ये है कि ये ज़ख्म के ऊपर एक लेयर बना देता है जिसकी वजह से दोस्तों और आपने मक्खियां पास नहीं आना है। वेलोसफ, अगर आपका डॉगी छोटा है तो आप 250 mg लगा सकते हैं, अगर बड़ा है तो 500 mg लगा सकते हैं। दोस्तों, ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको बआसानी मिल सकता है। मैंने सुबह इसको लगा दिया था, ये दिन में एक बार ही लगता है इसलिए मैं अब इसको नहीं लगा रहा। ये सीज़र है, ग्लव्स हैं और कॉटन है, एक सिरिंज है जिसकी मदद से ये मैं हाइड्रोजन और जेंशन वॉयलेट जख्म के अंदर डालूंगा। ट्रीटमेंट शुरू करते हैं।
आप देख सकते हैं इसकी सफाई मैंने कर दी है। अब जो ये ब्लू स्प्रे है इसकी वजह से इसको थोड़ी सी जलन हो रही है। दोस्तों अगर आपके पेट को भी इसी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपने दोस्तों उसको हाइड्रोजन के साथ साफ़ करना है, उसके बाद दोस्तों अच्छी तरह से साफ़ करना है कॉटन की मदद से। तो दोस्तों उसके बाद आपने जेंशन वाइडलेट डालना है, इसको भी साफ़ कर देना है, और लास्ट में आपने ये ब्लू स्प्रे, अगर पिंकी स्प्रे मिल जाए तो वो डालनी है। दोस्तों इंशाल्लाह आपका पेट 3 दिन में रिकवर होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसके मैंने ना सुबह इंजेक्शन लगवाया, वेलोसफ इंजेक्शन लगाया था। आपने वेलोसफ इंजेक्शन भी लगाना है, वो वज़न के हिसाब से लगता है। तो दोस्तों आपने ट्रीटमेंट सारा देख लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।